यूपी के कुशीनगर में 11 नवंबर को मस्जिद में हुए विस्फोट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गांव बैरागी पट्टी के एक मस्जिद में जो विस्फोट हुआ था वो इन्वर्टर की बैटरी फटने से नहीं हुआ था। कुशीनगर के एसपी विनोद मिश्र ने बताया कि विस्फोटक पदार्थ की वजह से मस्जिद में विस्फोट हुआ था। तो मैंने वहाँ फोरेंसिक टीम अपनी और अपना फील्ड यूनिट की टीम लेके गया था, साथ में मैंने पीडीडीएस की टीम गोरखपुर से बुला ली थी। तो सारी टीमों के द्वारा जब छानबीन की गई तो पाया गया कि यहाँ विस्फोटक पदार्थ था जिसमें विस्फोट हुआ था। वो उसकी मात्रा कितनी थी, कैसा विस्फोटक था, इसके बारे में एफएसएल को वहाँ से जो सामान था उसको कब्जे में लेकर भेज दिया गया है। उसका परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इस घटना में वहाँ जो मौलवी थे, मौलवी से पूछा गया, वो मौजूद थे मौके पर, तो वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। लेकिन जब विस्फोटक की बात आई तो उनको फिर पूछताछ के लिए सघन पूछताछ की गई। फिर उन्होंने बताया कि गांव के एक हाजी कुतुबुद्दीन अंसारी हैं, उनके द्वारा ये सामान कुछ ऐसा स्टोर में रखा गया था लगभग अप्रैल 2019 में, रमज़ान से एक हफ्ता पहले। इन्होंने पूछने पर ये कहा कि मैंने पूछा था क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सामान है स्टोर का, रख दे रहे हैं यहीं पर, मरम्मत का सामान है, बिल्डिंग मरम्मत का सामान है, वाइट सीमेंट टाइप का। लेकिन ये कुछ बात इनकी स्पष्ट समझ नहीं आ रही थी कि वाइट सीमेंट था तो इन्होंने देखा क्यों नहीं, और उस बात के लिए अभी इनसे पूछताछ चली रही है। फिलहाल ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें हाजी कुतुबुद्दीन अंसारी और उनके परिवार के लोगों की कुछ ऐसी मंशा थी कि कुछ गाँव में दहशत फैलाई जाए, और ये लगा कि मतलब आपस में तनाव की बात पैदा हो जिससे हमारी स्वीकार्यता बढ़ जाए या हम गांव के लोगों के नेता बन जाएँ। तो इस उद्देश्य से इन्होंने ये सामान यहाँ रखा था। लेकिन इनके लिंक्स कहीं इसके पीछे कोई देशद्रोही गतिविधि हो, कोई और कहीं बाहर से लिंक हो, इसके बारे में अभी हमारी पूछताछ और छानबीन जारी है। अभी तक के जांच में किस तरह का विस्फोटक सामने आया है, कितने लोग गिरफ्तार? अभी तक जिस टीम ने उसका मतलब प्राथमिक तौर पर जो सबूत दिया है वो बता है लो एक्सप्लोजिव है, जो पटाखे में भी यूज होता है और गोला टाइप का जो बम बनता है छोटा उसमें भी यूज हो सकता है। कितने लोग गिरफ्तार हुए अभी तक? 4 लोग गिरफ्तार हुए। सर प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की लापरवाही सामने आई, क्योंकि वो सबको यह गुमराह करते रहे कि ये बैटरी विस्फोट हुआ है। नहीं, स्थानीय पुलिस को तो प्रथम दृष्टया पहुँचने पर जो बताया जाता है तो उस समय जो उनको बताया गया मौके पर वही बता सकते हैं। उसके बाद जब हमारी छानबीन होगी, पूरी जाँच होगी, जहाँ से जो तथ्य आएंगे तब वो बता सकते हैं और वही बताएंगे। सर एक मामला आ रहा है, ये बंगाल से तार जुड़ रहा है, कुछ लोग मऊ से बता रहे हैं, तो क्या है पूरी सच्चाई? हाँ, इसमें जो मौलवी साहब हैं वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, तो उस संबंध में भी हमने उनका पता लेकर के छानबीन शुरू की है और सत्यापन करा रहे हैं। अभी तक कोई अन्यथावादी के बारे में नहीं आई है, लेकिन इनके और भी लिंक्स कहाँ कहाँ हैं अभी वो छानबीन का विषय है। अभी इसमें हाजी जिनका हाजी का नाम आ रहा है उनका भी मामला संदिग्ध है? हाजी मऊ में नौकरी करते थे, पीडब्ल्यूडी में बाबू थे और रिटायर होकर के यहाँ रह रहे हैं, तो हाजी साहब की भूमिका बहुत संदिग्ध है। हाजी साहब मिले नहीं, फरार चल रहे हैं, मिलने पर बाकी बातें स्पष्ट। गौरतलब है कि 11 नवंबर की दोपहर 3:30 बजे मस्जिद में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई थी। विस्फोट इतना तेज था कि मस्जिद की छत और दीवार में दरारें पड़ गई, खिड़कियां टूट गई। संयोग था कि उस समय मस्जिद में लोग नहीं थे। न्यूज़ डेस्क।